तो यहाँ पे गाइस कैवन दो दिन से जिद कर रहा है कि मैंने एक और रिंग लेनी है, और इधर दीदी है एक्चुअली, ये कह रही है मैंने भी चेन लेनी है, चेन इसके हाथ में है भी है, ये नहीं पूरी आ रही। तो दूसरी चेन लेनी है या रिंग लेनी तूने? तो अभी इधर पास ही हमारे एक मेला लगा हुआ है, उधर मेले पे जा रहे, तो शाजिया भी साथ ही आ रही है, चलो आओ चले। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा दरबार है, पीर दरबार इसे कहा जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं दरबार आलिया बाबा हज़रत करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सलाम गुलाब खान अब्बासी मरहूम। ये एक दरबार है जहाँ पे हर साल ये मेला लगता है, मेला मनाया जाता है बड़े जोश व खरोश के साथ, और इस साल भी तैयारियाँ जो है बड़े अरूज पर हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल भी लग चुके हैं, और अगर आप अंदर देखें तो दमाल डालने के लिए यहाँ पर कुछ ढोल वाले बंदे भी हैं जो ढोल बजाते हैं, ढोल अपना पकड़ के खड़े हुए हैं, और साथ यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं, स्टॉल लग चुके हैं, कोई बंदे यहाँ पे पकोड़े बना रहे हैं, कोई यहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं, मेले की रौनकें बरकरार हैं। यहाँ पे चिप्स भी बन रही है, और यहाँ पे सामने एक फलूदे वाला स्टॉल लगा हुआ है जो बड़ा बेहतरीन किस्म का फलूदा इनका होता है। यहाँ पे बच्चे बड़े शौक़ से फलूदा खाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मेले की जो रौनकें हैं वो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी इस टाइम तो बहुत से कम लोग हैं क्योंकि दोपहर का टाइम है, गर्मी भी है, शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है इधर। और इस साइड पर भी काफ़ी जो स्टॉल लगे हुए हैं, साथ पानी वाला फिल्टर भी है, बच्चे लेडीज़ जेंट्स यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टॉल हैं, इन पे ख़रीदो फरोख्त करने के लिए भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इनसे रिंग्स मिलती हैं, चूड़ियां हैं बच्चों की, बच्चों के ब्रेसलेट्स हैं, ये देखें। और कैमन ने यही देखा था और ज़िद कर रहा था कि मैंने रिंग लेनी है, अब रिंग लेने के लिए वो यहाँ पे आया है। रिंग पसंद आई कोई? आप भी इंजॉय करने के लिए आए हो? कब से आ रहे हो? डेली आते हो? तो गाइस यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिलें लेकर आए हुए हैं, और यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने के लिए कहते हैं कि हम डेली आते हैं। चलो ऐसा करो, आप जो भी रिंग लेनी है ना, रिंग ले लो, पसंद कर लो। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अंकल भी यहाँ पे गर्मी की वजह से नडाल होके बैठे हैं, छोटा सा पंखा भी लगाया हुआ है सामने। ये सामने एक जनरल स्टोर भी है, और इस साइड पे स्कूल भी है, जनरल स्टोर पे भी काफ़ी रश होता है। आपको इसका नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेगा, शाम के टाइम जो रश होता है और जब मेला स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, ये मिठाइयों वाला स्टॉल है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश अभी शुरू होने वाला है। मेला कदों स्टार्ट हो रहा है? 17-18 तारीख को। 17-18 तारीख को हम दोबारा यहाँ पर विज़िट करेंगे, तो फिर मुकम्मल इसका जो जोशो फरोश होगा वो तमाम वीडियो की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे एक और शॉप है बच्चों के खिलौनों वाली, तो यहाँ पे बच्चों के बहुत ही दिलचस्प खिलौने हैं, बच्चे इन खिलौनों को देख के बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, घर जाते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं और दोबारा लेकर आते हैं कि हमने यहाँ से खिलौने लेने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों के खिलौने डिफरेंट तरह के हैं, और इस तरह की बहुत सी शॉप्स अभी, कुछ तो बारिश की वजह से बंद हैं साथ, और कुछ अभी जो मेले की डेट है वो 17 और 18 तारीख को मेला जो है यहाँ पे होगा, तो उस दौरान तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा। तो अभी क्या पसंद आ गया आपको, और
क्या चीज़ पसंद आई और क्या लेना है, है? तो यहाँ पे गाइस इस मेले में एक बुरी चीज़ ये है कि कचरे के ऊपर झूले लगे हुए हैं और बच्चे बड़े शौक से झूले लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम भी छोटे हुए मेलों में जाते रहे हैं, मेले देखते रहे हैं, लेकिन इस तरह का मेला हमने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े ग्राउंड होते थे, बड़ी बड़ी खाली जगह जो प्लाट होते थे वहाँ पे इस तरह के झूले लगाए जाते थे, लेकिन जगह ना होने के बायस इन्होंने, ये भी है तो एक प्लाट ही है खाली, लेकिन लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, इस वजह से इन्होंने सफाई भी करवाई है और एक साइड पे मिट्टी भी पड़ी हुई है ऊपर बिखेरने के लिए, लेकिन फिर भी देखें यहाँ से कितनी स्मेल आ रही है। और बच्चे जो झूलों के शौकीन हैं, झूले लेने के लिए कुछ बच्चे ऊपर कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे मुनासिब नहीं है। इतनी ज़्यादा स्मेल है, ये कचरा सारा है और जरासीम जम्स, बच्चे बीमार हो सकते हैं, बरसात का मौसम है तो ये इनको चाहिए था। यहाँ तो प्रॉपर यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह डाल के जगह को बिल्कुल हमवार किया जाता तो फिर ये मेला जो झूले वगैरह यहाँ पे एडजस्ट करते, लेकिन इन्होंने पहले ही लगा दिए। खैर, पैसा जो बुनियादी ज़रूरत है, हर बंदा पैसे कमाने के लिए, इनका रोज़गार है, अपना बिजनेस करते हैं, तो बच्चों का ख्याल नहीं है, सिर्फ पैसों के चक्कर में है कि हम पैसे कमा लें। और यहाँ पे ये कचरा है और कचरे के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे देखें ये खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, जलेबियाँ बना रहे हैं और यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह।